भगवती को लख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को लख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। 2016 में मैंने एक टीम बनाई जिसका नाम था टीम पेंटिकल। ये 5 लोगों की टीम थी और सबका अपना अपना हुनर था। कोई भूतों को देख सकता था, किसी को भूत आ जाए तो उसको कोई हटा सकता था, कोई यूएफओज में, एलियंस में बड़ा एक्सपर्ट था भारत का, किसी के साथ ऐसी घटनाएं हो चुकी थी जिससे वो समझ सकता था कि अलौकिक है कि लौकिक है, और कोई ऐसा जो कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उनके हिसाब से पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन कर पाए। 5 लोग, 5 हुनर। और इससे पहले भी हम पैरानॉर्मल रिसर्च में रहे और लोगों के साथ। इसी क्रम में एक दिन हम बैठे हुए थे, कुछ अध्ययन कर रहे थे रांची में, और एक व्हाट्सएप मैसेज आया। इमेज था जब खोला तो दंग रह गया। किसी ने लिखा था अपने मामा के लिए कि क्यों आप इतनी जल्दी चले गए, देख करके पैर के नीचे से जमीन खिसक गया। ये वो व्यक्ति था जिसके साथ हमने 4 साल तक बहुत सारे जो भुताहा जगह होता है, वो चाहे कुलदरा हो या जमाली कमाली हो, हर जगह भूतों को ढूंढा, भूतों को खोजा, बहुत कुछ उस व्यक्ति से सीखा। बड़ा इंटरेस्टिंग व्यक्ति था, खुद भी सीखता था, लोगों को भी सिखाता था, एक बहुत बड़ा नाम भारत में। शायद ही ऐसा कोई स्थान था जहां पर उसने भूतों की खोज ना की। जितने बड़े टीवी चैनल थे वो पागल थे इनके पीछे, और जब तक ये थे तभी तक पैरानॉर्मल स्टडीज का एक क्रेज भारत में था। जब पहली बार इनसे मिला तो मैंने भी पढ़ाई वहीं से की थी जहाँ से इन्होंने कर रखा था, तो पहली मुलाकात तब हुई जब एक सेमिनार चल रहा था, और उस सेमिनार में एक सेशन मुझे भी लेना था किसी एक इंस्ट्रूमेंट पे कि किस तरीके से उससे हम पता लगा सकते हैं कि आपके आसपास भूत है कि नहीं। एक बड़ा यंग क्राउड उस ऑफिस में, दिल्ली में, और एनर्जेटिक क्राउड। अब क्योंकि ये टीम के हेड थे तो इनके पास समय थोड़ा कम रहता था। वो जानते थे कि हम उसी विषय को पढ़ के आए हैं, उसी विषय में हमने साधना की है, तो उन्होंने ये पूरा जो व्यवस्था था हमारे हाथ में छोड़ दिया। सेमिनार के बाद हम लोगों को कहीं एक हॉन्टेड लोकेशन पर
रिसर्च करने जाना था, तो टीम के कुछ पुराने मेंबर और हम जो है जो नए लोग थे उनको लेकर के गए। ये जमाली कमाली के पीछे, एक जमाली कमाली मस्जिद है दिल्ली में कुतुब मीनार के पीछे, जिसमें कहते हैं कि आत्माएं रहती हैं, जिन रहते हैं। बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन रहा, आकर उनको बताया कि भैया ये सब हमने ढूंढा है, ये तस्वीरें हैं, बहुत सारे ऑर्ब्स कैच हुए। तो उन्होंने समझाया कि भैया ऑर्ब्स हमेशा भूत नहीं होता, डस्ट पार्टिकल्स होता है। फिर उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो जब यूएस में ट्रेनिंग कर रहे थे, और जहाँ ट्रेनिंग कर रहे थे वो इंस्टीट्यूट उनका पैसा लेके भाग गया। कम पैसे होने के कारण वो कहीं दूर दराज में ये तीन चार दोस्त एक घर लेके रहने लगे, और जब रहने लगे तो बहुत अजीबोगरीब घटनाएं वहाँ घटने लगी। कभी दरवाज़ा खुद खुल जाए, कभी किचन में लगे कि कोई खाना बना रहा हो, कभी कोई दिखता था आता जाता। तय हो गया कि वहाँ पर भूत है, और उसके बाद इन्होंने ऐसा सोचा था कि भूतों पर ही रिसर्च करें। अमेरिका का जो अपना उनका सफ़र था उन्होंने पार किया, और उसके बाद वो भारत आए। भारत में उन्होंने बहुत सारे युवाओं को प्रेरित किया, और सब जो थे वो भूतों पर रिसर्च करते थे। हमारा जो भूतों के प्रति प्रेम था, वो जो हमारे साथ एक पहली घटना हुई थी जो हमने आप लोगों के साथ साझा की है, कि गांव में हमने एक औरत को देखा, और वो औरत मध्य रात्रि में थी, ऐसी जगह पर जहाँ पर वो हो ही नहीं सकती है। तो हमें यह आभास हुआ कि भूत है, और आकर के फिर कहानी इस सेमिनार में जुड़ी। इसी सेमिनार में एक युवा पैरानॉर्मल एंथुसियास्ट हम लोगों के साथ जुड़ी। फिर ये टीम कुलधरा इन्वेस्टिगेशन के लिए निकल पड़ी। एक ऐसा पालीवाल ब्राह्मणों का गांव जो एक ही रात में उजड़ गया था, और ऐसा कहना था कि वहां पे बहुत सारे भूत हैं, प्रेत हैं, ये वहां भी नहीं डरते थे। जहां लोग ग्रुप बना करके अलग अलग झोपड़ियों का इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तो उस जिन की बस्ती में ये अकेले दौड़ के चले जाते थे कहीं भी। जहाँ लेजर ग्रिड पे साफ दिखता था कि दो बच्चे खेल रहे हैं जो वहाँ थे नहीं, ये वहाँ भी घुस जाते थे, और बोलते थे जिनको मुक्ति चाहिए हमारे साथ चलो। टीम थोड़ी बड़ी, जो नई एंथुसियास्ट थी वो भी टीम में जुड़ गई। फिर और इन्वेस्टिगेशन हुआ। एक बैंक मैनेजर था दुबई का, वो पागल हो गया था। उसके घर वालों ने हमें बुलाया, जब उससे बात हुई तो वो बता नहीं पा रहा था कि उसके साथ हुआ क्या है। जब उसके घर हम पहुंचे तो वो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन रिकॉर्डिंग में ये आया कि वो किसी और से बात कर रहा था। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि पुराना उनके घर में किताब था जो कहीं से आया था, और उसमें ही प्रेत का वास था। उस किताब को हमने वहाँ से ले लिया, और गौरव ने वहाँ भी बोला कि जो भी प्रेत है इस घर में हमारे साथ चलो। एक और इन्वेस्टिगेशन हुआ, सात बहनों का घर था, वहाँ एक ही बच्चा था वंश जो कि अपाहिज था। उस पूरे घर को हमने जब देख लिया तो कहीं कुछ नहीं था, लेकिन अंत में जब हम क्लेंजिंग कर रहे थे तो हमारे पीछे एक 8 से 9 फुट की औरत खुले बाल आके खड़ी हो गई। वहाँ पर भी फिर जो प्रक्रिया है उसको किया गया, और निकलते समय इन्होंने बोला कि जो भी यहाँ है मेरे साथ चलो। ऐसी कई एक घटनाएं हुई, और
और जो टीम के साइकिक थे उन्होंने ये तय किया कि ये गलत हो रहा है, मना किया। इन्होंने नहीं माना, इनको लगा कि ये लोग ऐसे ही बोल रहे हैं और इनका कारोबार ऐसा ही चलता रहा। हम लोग उस भीड़ से अलग हो गए। इस क्रम में एक बार ऐसा हुआ कि ये काठमांडू गए। काठमांडू जाने में इनका एक उद्देश्य था कि वहाँ के लोकल कल्चर को देखें, लेकिन वहाँ उनको एक बहुत ही भयानक प्रेत का सामना करना पड़ा। और जबकि हम लोगों के बीच में तब तक दूरी आ चुकी थी, लेकिन इन्होंने हमारे टीम के साइकिक को फ़ोन किया और बोला कि हमें लग रहा है कि ये प्रेत हमें मार देगा, आप अब कुछ करो। तुरंत सबकी फ़ोन की घंटियाँ बजी, हम सब साथ हुए और उसके जो भी समस्या था उसका निवारण किया। लेकिन हुआ ये था कि समय के साथ इनके साथ बहुत सारी शक्तियाँ जुड़ती चली गई थी। ये सबको बुलाते रहते थे, सबके साथ ये रहते थे। जब आप पे शक्तियाँ हावी होती हैं तो गलत पैसा, गलत आदतें, गलत संगति तीनों आपके साथ आते हैं। और ये इनके साथ बढ़ता चला गया धीरे धीरे, तीनों चीज़ें इनकी गलत होती चली गई। क्योंकि यही प्रेत में होता है, जो बहुत नशा करे वो प्रेत कादी हो गया है। इन्होंने खुद एक बार बोला था कि जब कोई डिप्रेशन में चला जाए तो समझ लेना उसको प्रेत बाधा है। प्रेत बाधा का जो पहला निशानी होता है वो डिप्रेशन ही होता है। तो गलत आदतें, गलत संगत और फिर भारी डिप्रेशन में। परिवार ने देखा, इनकी शादी करा दी। शादी में कुछ दिन रहे लेकिन डिप्रेशन जो है ये इन पे हावी रहा और कुछ बीमारियां फिर इनको हो गई और डिप्रेशन बढ़ता चला गया। संगत इनका ऐसा कि ये जिए या मरे ये समझ नहीं पा रहे थे। संगत और संबंध में एक बहुत बड़ा खिंचाव इनका चल रहा था और जो शक्तियां इन्होंने एक्यूमुलेट कर ली थी, जो प्रेत इनके साथ रहते थे बुला बुला करके, वो उन्होंने इनके दिमाग को कैप्चर कर लिया था। ये स्वायत्त होकर सोच नहीं पाते थे। स्वस्थ मनुष्य जैसा सोचता है ऐसा जो उनके साथ लोग थे वो बताते हैं। नशा भी उतना ही करते थे। जो सहयोगी थे वो ऐसे थे कि इनको किसी के पास नहीं जाने देते थे, बांध के रखा था ऐसा मान लो, परिवार से भी दूर। और फिर वो रात आई जिस दिन इनका पारिवारिक एक झगड़ा हुआ और एक अजीब सा मृत्यु। बाथरूम में चले गए, अपनी धर्मपत्नी का एक स्कार्फ उठा लिया और जो शावर एरिया में जो कर्टन होता है उसमें उस स्कार्फ को फंसाया और फांसी लगा लिया और फांसी लग भी गया। मूर्छित होके ये गिर गया और ये मर भी गया, बिल्कुल अननेचुरल। कोई भी व्यक्ति शावर कर्टन से लटक नहीं सकता है, अगर लटकेगा तो शावर कर्टन गिर जाएगा। गिरा इनका भी लेकिन ये बचे नहीं। मेडिकल टर्म्स में ऐसा बोला जा रहा है कि क्योंकि इनके पेट में अल्सर था तो जो कुछ लिक्विड पेट से वो इनके मुंह और नोज को ब्लॉक कर दिया एसिड रिफ्लेक्स के कारण, और इनको हार्ट स्ट्रोक हुआ और इसी के कारण इनकी मृत्यु हुई। लेकिन जो जानते हैं वो मानते हैं कि ये इतना आसान नहीं है जो इनके साथ हुआ, कि कोई व्यक्ति बाथरूम में एक फंदा लगाए और मर जाए। उसमें भी जब वो खुद एक एक चीज को पढ़ता और गहन अध्ययन करता हो, शायद इस बार वो मौत को चीट नहीं कर पाए। शायद इस बार वो संबंधों और जो सहयोगी थे उसके बीच का समन्वय नहीं बैठा पाए। शायद इस बार वो जो सबको ट्रिक करते थे, जो सारी आत्माओं को, प्रेत को, भूत को अपने बातों में लगा लेते थे, इस बार उनको लगा नहीं पाए। इस बार वो अंतिम बार उन्हीं भूतों से, उन्हीं प्रेतों से इस डिप्रेशन में ट्रिक हो गए और नहीं रहे भारत के एक
बहुत अच्छे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। जिनको हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है बेसिक साधना सीखने के लिए, वो 9431188585 पर जुड़ सकते हैं। ये एक व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें आपको हम जो साधना का शुरुआती आयाम है वो बताएंगे, जिसमें आसन बंधन यंत्र बनाना मंत्र बोलना ये सब आता है। जिनको मुझसे अपॉइंटमेंट लेना है वो 9431188585 पर ले सकते हैं, या फिर कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करेंगे, उसमें रुद्रनाथ @CM4 अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्टली फ़ोन कर सकते हैं। भगवान भैरव आपकी इस साधना में सहायता करें और रक्षा करें, ऐसी मेरी उनसे प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश।